यीशु मसीह के नाम की जय। आज हम वचन सुनेंगे नीति वचन 11 अध्याय 1 से 8 तक। नीति वचन अध्याय 11। छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु जब नम्र लोगों में बुद्धि होती है, सीधे लोग अपनी खराई से अगुवाई पाते हैं, परंतु विश्वासघाती अपने कपट से विनाश होते हैं। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्मी मृत्यु से भी बचता है। खरे मनुष्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंस जाते हैं। जब दुष्ट मरता तब उसकी आशा टूट जाती है, और अनर्थ पर जो आशा रखी जाती वह नाश होती है, परंतु धर्मी विपत्ति से छूट जाता है, परंतु दुष्ट उसी विपत्ति में पड़ जाता है। हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी है, उसका प्रेम में पक्षपात नहीं होता है। वो न्याय का परमेश्वर है, वो कभी किसी को अन्याय नहीं करता है। उसका सिंहासन का मूल धर्मी और न्याय है। करुणा और सच्चाई उनके आगे आगे चलती है। आज हम वचन देख रहे हैं, छल के तराजू से यहोवा का घृणा आती है, परंतु वह पूरे पटकेरे से प्रसन्न होता है। देखिए, हम अपने जीवन में भी हम देख सकते हैं, हम अपने को नापने के लिए एक नाप, दूसरे के लिए एक नाप रखते हैं, इसमें यहोवा प्रसन्न नहीं होता है। अपने आंख में बड़े लाठे रहता है, लेकिन हम जाके बताएंगे अपने भाई से, तेरे आंख में जो भी तिनका है उसको मैं निकाल दूंगी, ऐसा हम बताते हैं। पहले हम अपने आप को देखना चाहिए, हम अपने को सही नाप से हम नापना चाहिए। हम परमेश्वर का जैसा ही हमारा भी नजरिया होना चाहिए। हम यहाँ 4 वचन में हम देख रहे हैं, कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है करके हम वचन पढ़ रहे हैं। देखिए, कोप का दिन में जाके धन जाके ये नहीं बताएगा, ये इसको बचाओ करके वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बचा सकता है, क्योंकि वो यहाँ हमारे लिए जीवन में सब कुछ के लिए धन जरूरत है। लेकिन कोप का दिन में बचाने के लिए यीशु का लहू, वही हमेशा हमारे लिए वो भलाई को ही बात करता है, वही हमें दंड की आज्ञा से बचाने का सामर्थ्य धन के पास नहीं है, हमारा यीशु के लहू में ही है। वही हमारा मेमना बन के आया, उनके लहू से हम मृत्यु से बच जाते हैं। धर्मी हमेशा खरे मार्ग में ही चलता है, उनके मार्ग में कभी भी अंधेरा नहीं रहता है। दुष्टों को मार्ग अंधेरा से भरा रहता है, उसमें वो गिर जाता है। धर्मी हमेशा ज्ञान से भरा रहता है, वो नम्रता से रहता है, वो जो कहाँ घमंड आता है वहाँ अपमान भी आ जाता है, कहाँ अभिमान आता है वहाँ अपमान भी आ ही जाता है। धर्मी सारे विपत्ति से छूट जाता है, सारे दुर्घटना से वो बच जाता है, क्योंकि उनके लिए यहोवा के नाम वो दृढ़ गढ़ है, उनके अंदर ही वो शरण स्थान लिया है। उसको वो गढ़ के अंदर जो भी आते हैं, यीशु के लहू के अंदर जो भी लोग आएंगे वो धर्मी बन जाते हैं, वो सारे दुर्घटना से, सारे वो बंधन से, सारे नाश होने वाला उस चीज़ों से वो लोग बच जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन देता है, उनके लहू हमारे लिए हमेशा भलाई बात करता है, हमें पिता के अनुग्रह का सिंहासन के पास उसका लहू, यीशु मसीह का लहू हमें लेके जाता है। हम इसको, उसका लहू को हम विश्वास करेंगे। आमीन। हम वचन सुनेंगे योहन्ना अध्याय 1:29-53 तक। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है।
ये वही है जिसके विषय मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने ये गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है, और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने फिरकर और उनको पीछे आते देखकर उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे, और ये 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रीस्त मसीह मिल गया। वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिपुस तो अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है, वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चलकर देख लें। यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, ये सचमुच इसराइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, उससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इसराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, तू इसलिए विश्वास करता है, तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे। यहां देख रहे हैं बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने वो स्वर्गीय राज्य के बारे में प्रचार कर रहा था, मन फिराहो स्वर्गीय का राज्य निकट है करके वो अपने प्रचार करते हुए लोगों को वो बपतिस्मा जल से वो बपतिस्मा दे रहा था। तभी वो भी मसीहा आने के लिए वो भी वो इंतजार कर रहा था। तभी उसी समय ने यीशु वहां आया, बपतिस्मा लिया, तभी वो स्वर्ग उतरते हुए वो देखा पवित्र आत्मा उसके ऊपर, यीशु के ऊपर
बेटा तभी इसको जो भेजा है बपतिस्मा देने वाला को जिसने भेजा पिता परमेश्वर वो उन्होंने कहा था ऐसे ही पवित्र आत्मा जिस पर उतरते हुए तुम देखेगा वही मेरा पुत्र है वही आग से बपतिस्मा देने वाला है करके पिता परमेश्वर ने बताया था इसलिए वो पहचान लिया वो बपतिस्मा वो प्रचार करते हुए वहाँ बपतिस्मा दे रहा था तभी यीशु वहाँ आते हुए बपतिस्मा लेते समय स्वर्ग खुल गया वहाँ स्वर्ग खुला पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरते आया तभी ये योहन्ना ने पहचान लिया यही परमेश्वर का पुत्र है वो यही मेमना है ये परमेश्वर से तैयार किया हुआ मेमना है ये जगत की पापों उठा ले जाता है करके उसके आंख से वो देख लिया पहचान लिया तभी वो तुरंत लोगों को गवाही देने लगा यही मेमना है यही आप लोगों के लिए बलिदान होने के लिए आया हुआ है इनके लिए पहले से शरीर तैयार किया हुआ था हमारे यीशु मसीह मेमना बनकर हमको छुड़ाने के लिए ये जगत का पापों को मिटाने के लिए यीशु आया है जहां एक पाप क्षमा पाना है तो लघु बहाने बहर पाप की क्षमा नहीं होती है लघु बहाना मतलब कोई भी जानवर के लघु कोई भी भेड़ बकरी लघु आपका पाप की क्षमा दे सकता है क्या नहीं पवित्र निर्मल निर्दोष लघु वही बलिदान होने के लिए आया हुआ पहले से ही तैयार किया हुआ उनके लिए शरीर तैयार किया हुआ था वही यीशु मसीह है वही मेमना बनकर आपके लिए मेरे लिए ये जगत के लिए वो आया हमारे सारे पापों को वो अपने ऊपर ले लिया है इसलिए वो बपतिस्मा देने वाला बता रहा है यही मेमना है पहचान कराया आज हम भी लोगों को पहचान कराना है जैसा योहन्ना ने पहचान कराया यही सच्चाई मार्ग है आज लोगों को मार्ग नहीं है पता नहीं चल रहा है हम किस में किसी रीति से हम पाप की क्षमा पाएंगे कहां किस मार्ग में हमको जाना है क्या करना है लोगों को पता नहीं है हम सही गवाही देना चाहिए हम लोगों को रास्ता दिखाना चाहिए जैसा बपतिस्मा देने वाला रास्ता दिखाया मार्ग सही किया यही मेमना है सब इसको देखो करके बताया वैसे लोगों को हमको कहना है हमारा काम अभी वही है हमको बड़ा करना नहीं है अब हम जैसा योहन्ना बोल रहा है मैं हटना है वो बढ़ना है करके आज मसीह को मसीह हमारे अंदर है मसीह अभी हमको क्या करना है हम पौलुस जैसा बोल रहा है मसीह मुझ में जीवित है अभी हम मर गया है अभी मसीह को हम जीने देना है परमेश्वर को महिमा देना है हम अपने आप को महिमा करते हुए ऐसे अपने आप को घमंड हम नहीं करना चाहिए यीशु हमारे लिए मरा यीशु हमारे लिए लहू बगाया उसको ही हम बताना चाहिए उस मेमना को हम बताना चाहिए यीशु ही मेमना है दूसरा कोई भी रास्ता उपाय नहीं है ये केवल ये यीशु ही वो ही परमेश्वर उसका लघु से हमको पाप क्षमा मिलती है आज लोगों को ये सुसमाचार को हमको बताना है योहन्ना ने अपने चेले लोगों से कहा यही मेमना है परमेश्वर का पुत्र है कहा तभी तुरंत उनके चेले लोग उनके पीछे जाने लगा तभी उन लोग वो लोग भी जान लिया यही मेमना है यही हमें छुड़ाने वाला है यही हमें शांति देने वाला है मृत्यु से हमें अनंत जीवन देने वाला है करके लोगों को समझ आया तभी उन लोग ने जाके अपने भाई लोगों को अपने जो पहचान वाला को सबको बताने लगा आज हम जो भी मार्ग हम जो भी मेमना को हम समझ लिया है हम उसको स्वीकार किया है हम वो भलाई को हम तृप्त हुआ वैसे हम लोगों को बताना चाहिए आज लोग तड़प रहे हैं हम उन लोगों को बताना चाहिए मेमना है यीशु ही मेमना है यीशु परमेश्वर का पुत्र है जगत की पाप को उठाने के लिए आया है वही सारे जगत को पाप को शुद्ध करता है करके हम लोगों को बताना चाहिए
यीशु हमारा हर एक को जानता है, जैसे इसमें हम देख रहे हैं एक एक लोगों को उनके पास आ रहे हैं। यीशु हमारा हर एक को जानता है। हम कोई भी, जैसा नथानेल के यीशु ने बोला, तुम अंजीर का पेड़ का नीचे था, जैसा फिलिपुस तुम्हें बुलाने का पहले मैं तुम्हें जान लिया, वैसे आज हमारा हर एक हृदय को यीशु जानता है। इसलिए आज मेरे भाई बहन, आप उनके सामने अब छुपाना नहीं है, अब छुपके से नहीं बैठना चाहिए। उनके सामने कोई भी बात छुपा हुआ नहीं है, सब खुलन खुला है। यीशु जिंदा परमेश्वर है, आपको प्रेम करता है, आपका पापों को क्षमा करता है। उसके पास हम आएंगे, आज हमें पाप क्षमा मिलती है। वही मेमना को आज हम विश्वास करेंगे, उनके पीछे जाएंगे, हम भी दूसरे को बताएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु, आज प्रभु ये वचन के द्वारा आप हमारा हर एक से आप बात किया है, आपका पवित्र लहू हमारे लिए बगाया प्रभु। आप ये जगत का, जगत की मेमना बनकर आप आया है प्रभु, पापों को उठाया, परमेश्वर का पुत्र है प्रभु, आप मेमना बन के आया। धन्यवाद प्रभु, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु। आज आप हमारे अंदर है प्रभु, आप हमारे अंदर आप जीवित है प्रभु। हम भी प्रभु मसीह को प्रकट करना चाहिए प्रभु, मसीह को जीने देना चाहिए प्रभु, आपको ही हम पहचान करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए प्रभु। हमारे हर एक को सहायता कर, आपका प्रेम का सामर्थ्य भरपूरी से हमारे अंदर से भरे रहे प्रभु। आप हमें हर एक को अब संभालिए प्रभु, यीशु का लहू के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन।